बड़े साइज़ के गाजर हैं वो मैंने जुलियन साइज़ में काट लिए। यहाँ पे दो शिमला मिर्च हैं वो भी मैंने जुलियन साइज़ में काट लिए। इन दोनों को मिक्स कर दिया। मेरे पास यहाँ पे हरे प्याज का वाइट वाला हिस्सा तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये मैंने ले लिया। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम, मैंने उसको बॉयल करके इस तरीके से श्रेड कर दिया। एक बड़े साइज़ की मैंने बंद गोभी ली है, उसको कुछ इस तरीके से काट लिया। ये भी जुलियन साइज़ में बारीक बारीक कटिंग कर लिया। 1 कप तकरीबन मेरे पास हरा वाला प्याज है, हरे प्याज का हरा वाला पार्ट है, वो भी मैंने इस तरीके से काट के यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने एक पतीला लिया, उसमें तकरीबन मैं 5 से 6 टेबल स्पून में इसमें ऑयल ऐड कर देता हूँ। हरे प्याज का वाइट वाला हिस्सा ये इसमें ऐड कर देते हैं और इनको सौते कर लेते हैं। तकरीबन साथ ही इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं जो कि बॉयल करके रखा था। ये पहले तो मिक्स कर लेते हैं इसको। अब इसमें ये गाजर और शिमला मिर्च है ये भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, लेकिन साथ साथ इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाना है इसको। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको 2 मिनट ही सौते किया। अब मैं इसमें ना बंद गोभी ऐड कर देता हूँ और साथ ही इसमें हरा प्याज भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। वेजिटेबल्स को आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 बंद गोभी लिया था, आप इसको आधा भी कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। गाजर भी इसी तरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी कोई पाबंदी नहीं है इनके ऊपर, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं। अब मिसालों की तरफ आते हैं तो मैं इसमें कुछ मिसाले ऐड कर देता हूँ। पहला का मेरे पास यहाँ पे है चिली सॉस, कुछ लोग इसको हॉट सॉस भी बोलते हैं, लेकिन हॉट सॉस एक अलग चीज़ होती है, ये लाइट वाला है। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। सोया सॉस है मेरे पास शंग्रीला का, ये भी लाइट वाला है। तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे ज़्यादा ही क्वान्टिटी में इसको इस्तेमाल करना। इसमें नमक होता है तो आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वो कोई स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देता हूँ, साथ ही 1/2 टीस्पून में इसमें और नमक ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक को आपने ध्यान से इसमें इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेपर है मेरे पास कुटी भी है, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है, जितने की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं इसमें ऐड करूँगा। अभी मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं और ऐड करूँगा। मिसालों में सिर्फ 4 चीज़ें हमने ऐड की, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और ब्लैक पेपर, और कुछ नहीं मैं इसमें ऐड कर रहा। चिली सॉस ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना ऐड करें। मैं उनको मिक्स करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करता तो उससे कलर इसका ब्लैक हो जाना है, तो आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल की है। बस इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद हम इसको साइड कर देंगे। एक प्याली में हमने पानी लिया है थोड़ा सा, और उसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा ऐड कर देता हूँ, लिक्विड सा इसको बना लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हे का जो प्रोसेस था वो तकरीबन 10 से 12 मिनट का था, 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो चुके हैं। मेरे पास ये क्वांटिटी ज़्यादा थी, अगर इससे कम होगी तो आपको इससे भी कम वक्त लगेगा इनको तैयार करने में। बस इनको ऑलमोस्ट पकाना होता है, ज़्यादा फुल पकाना नहीं होता, क्योंकि आगे जाके ये फ्राई भी होंगे। और इसी से आप समोसे भी बना सकते हैं, इसी से आप रोल भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी से आप दोनों काम कर सकते हैं। सबको इसी शेप में रेडी करके आपसे मिलते हैं।